हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल मास्टर मिनट 24/7 में। आज बीदर शहर के AIIMM प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज मुन्ना ने मास्टर मीडिया से बात करते हुए ये कहा, हैदराबाद के MP MIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर बीदर के प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज मुन्ना ने कर्नाटका म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से नुमाइंदगी की कि वार्ड नंबर 1 में एक बोरवेल की सख्त ज़रूरत है। बाहन गली के इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इसको देखते हुए रहीम खान साहब ने जल्द से जल्द अप्रूवल दिया और इस बोरवेल का आज अब्दुल अजीज मुन्ना ने उद्घाटन किया। और मास्टर मीडिया से बात करते हुए अब्दुल अजीज मुन्ना ने बीदर के MLA कर्नाटका स्टेट म्यूनसिपल मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। तो चलिए देखते हैं हमारे कैमरामैन मोहसिन अंसारी की रिपोर्ट। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 24/7 को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इधर आ रहे, इसको पकड़ो। शाल है और शादी में से दिख रही है। अरे बिना जी हमारे ग्राम के साथ में रखवा दे बच्चे हमारे कारोबार में हरकत दे उसको। चलो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहिवबरकातुहु। नसीबुल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत है कि जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जीत कर आए हैं वहाँ पर अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करें और अवाम के बुनियादी मसाइल हल करें। नसीबुल्लाह की हिदायत पर मैं अब्दुल अजीज मुन्ना, प्रिंसिपल काउंसलर वार्ड नंबर 1 और ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीदर MLA, प्रिंसिपल मिनिस्टर अली जनाब रहीम खान साहब को एक लेटर दिया था कि गुंजान आबादी वाला इलाका बागवान गली में एक बोरवेल की सख्त ज़रूरत है। रहीम खान साहब ने हमारे इस प्रपोज़ल को फौरी अमल में लाते हुए आज बागवान गली में बोरवेल ड्रिल करने के लिए यहाँ पर गाड़ी भेजे हैं। इस बोरवेल के असीम इफ्तिताह के मौके पर मौलवी मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, हाफिज इरफान अली साहब की मौजूदगी में दुआओं के साथ बोरवेल ड्रिल होने का इफ्तिताह अमल में आया है। मैं अली जनाब रहीम खान साहब का मेरे हल्के की अवाम की जानिब से और मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस डेवलपिंग के काम में अवाम को पानी मुहैया कराने के काम में रहीम खान साहब ने मदद की है। मैं रहीम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे मसाइल हैं वार्ड में और शहर में जिसके लिए हमने रहीम खान साहब से नुमाइंदे की है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, और उम्मीद है रहीम खान साहब आने वाले वक्त में मेरे वार्ड और शहर के मसाइल पर डेवलपिंग के जो जो काम रुके हुए हैं और जो जो काम होने वाले हैं उस पर उम्मीद है उसको कामयाब करेंगे। इतना कहते हुए मैं मौलाना रियाज साहब का, हाफिज इरफान अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।